हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो अभी हम पहुंच गए हैं मुराद शाह और ये हमारे अमन पाजी, जिनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया चिंतपुर्णी में। अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का माहौल देखेंगे, फिर हम आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ लोग कैसे आते हैं, कैसे अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहाँ सेवा करते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रसाद में हमें क्या मिला। देखिए, ये जो जर्नी है हमारी स्टार्ट हुई थी चिंतपुर्णी माता से, उसके बाद हमने एक स्टॉपेज लिया बॉम्बे पिकनिक स्पॉट का, तो और उसके बाद तो ये हमारा अभी सेकंड स्टॉप है, तो बाबा मुराद शाह की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, वहाँ पे माता देखेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो भी लोकल्स हैं, जैसे कि जो जो आपको वहाँ पे माता दिखने वाले हैं, जो पीर बाबा वहाँ पे हैं, वो सारे की आपको दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और आपको दर्शन भी कराएंगे लाइव। ठीक है, क्योंकि सब लोग पहुँच चुके हैं मेन गेट के पास और हम एंटर करने वाले हैं जल्दी, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा। तो ये मेन गेट है, देखो कितना बड़ा यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे मेन गेट खोलते हैं, जो एंट्री है वो आगे वाले गेट से होगी एंट्री। ये मेन गेट है, गेट नंबर 4 इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा गेट होता है, तो ये गेट खुलता है नंबर 4, क्योंकि इसके अंदर पार्किंग भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो आपको जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आपको एक कुछ पोस्ट सेक्शन है, कुछ आपको फोटोज भी आपको शेयर करेंगे, आप फोटोज भी देख लेना उसकी, ठीक है। तो इसके बाद वीडियो के बाद आपको पोस्ट आएगी हमारी, तो कुछ 5 फोटो की, तो वो आप देख लीजिएगा। चोरी पाएगा मैं तेरी अब्बा मेरा यार मोदे, आ जा तू बच्चा, अब्बा मेरा यार मोदे, बुल्ले शाह तू लंड शाह वाले आ, ये दाता ने सती स्काई वाले ओ, अब्बा मेरा यार मोदे, आ दाता दा दाता सोना, दाता दिया कमल फेमस, कमल फेमस है यहाँ पे, पी माने द सच्ची सकानू सो अब दी कोई ओंदा दिन तेरी सच्चे दिलो वेख मंग ते चोली पाएगा मैं आंदा नाल तेरी सच्चे दिलो वेख मंग के जगाए बाबा मैं शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। दाता जी अहमद करो साहब जी, अहमद को दाता जी है, पर दो पे आ रहे हैं भाई अहमद करो। ये सामने पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके दर्शन करने जा सकते हो, और यहाँ पे भी बहुत बड़ी पार्किंग दे रखी है, आप देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये जो मेन गेट आ रहा है जहाँ पे हम अंदर जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ जी अनमोल जी, बहुत बहुत यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे चाट वाट खा सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रंग बिरंगे रुमाल मिलते हैं। और ये आगे एक गेट नंबर आया है, यहाँ पे गेट नंबर का लिखा नहीं है, बट एक गेट और भी यहाँ पे, बट इस गेट से एंट्री नहीं होती है, अगले गेट से एंट्री होगी। आप देख सकते हैं माहौल यहाँ का, मार्केट एकदम रंगीन है, पूरे खाने पीने की पूरी यहाँ पे दुकानें लगी हुई है। काफी रश है, आपको देखने को मिलेगा, और जो आपके जूते जोड़े चप्पल हैं वो यहाँ पे जमा करवा दूंगा। दा 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 से गम 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 और बल्ला ले
देखिए ये जो गेट है इस गेट से आपका एग्जिट होगा, जो आगे वाले गेट से वो एंट्री होती है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, इस गेट से आपका एग्जिट होगा, आगे वाले गेट से एंट्री होगी। ये तीसरा गेट है यहाँ पे, ठीक है? और बच्चे उधर जाओ, और बिल्कुल इस गेट के आपको ऑपोजिट आपको पार्किंग भी यहाँ पे मिल जाएगी और सामने। और यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं, बड़ा अच्छा यहाँ पे जोड़ा घर बनाया गया है, ताकि जोड़ा घर जो है किले से कम नहीं है, जोड़ा घर किले से कम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माहौल यहाँ का। बुल्ले शाह बुल्ले शाह ते दाते औंदा भैया, दरबार में तू आज दर्शन कर ले, बाबा मैं शाह सच्ची सका पूरी कर दे मुरादा भाई। चलिए पहले जोड़ा घर में है ना, पहले हम अपने जूते चप्पल उतारेंगे भाई, हम जा रहे हैं जोड़ा घर, मैं कल वहां का सिस्टम क्या है जोड़ा घर का, कैसे वहां जोड़े रखे जाते हैं। आइए चलिए। और ये है जोड़ा घर, यहाँ पे हमें अपने जूते चप्पल यहाँ पे जमा कराएंगे, ये आप टोकन देंगे हमें शायद जी, देखते हैं क्या मिलता है दोस्तों। चलिए हम अपने सब बूट चप्पल एक करके इनको दे देंगे, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आप अपने सॉक्स और अपने जूते आप यहाँ पे जमा करवा सकते हो, नहीं अंदर गिल्ला हो जाएगा, चलो हाँ गिल्ला हो जाएगा, ठीक है? तो एक ही आप यहाँ पे टोकन में आप जमा करा सकते हो ग्रुप के से, जितने भी है एक मिनट भैया, हाँ सॉक्स उतारनी है भैया, तो भैया कह रहे हैं कि सॉक्स भी आपको उतारने पड़ेंगे, फोटो खींचे सॉक्स भी आपको उतारने पड़ेंगे, सॉक्स अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन है जोड़ा घर की कि आप सॉक्स पहन के नहीं जा। और यहाँ पे टोकन भैया आपने लेना है, याद रखो देखिए इनसे एक टोकन लेना है, टोकन लेना है वापस आपको भैया, हमें इसका टोकन दे दो, ये सारे एक जगह रखे। हमारे कमल जी के फूट घूम गए थे अमरनाथ में, इन्होंने यही गलती की थी, टोकन नहीं लिया था, अब टोकन जरूर लेना था। मैनेजर बोलता है चलिए टोकन ले लीजिए भैया, टोकन भैया आ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए हमें टोकन मिला है, बड़ा अच्छा नंबर है 1095। चलिए टोकन आपने संभाल के रखना है, जब भी आपने रिटर्न में आना है तो आपने अपने टोकन दिखा के जूते चप्पल ले सकते हो। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, चलिए बड़ा अच्छा माहौल है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, फाउंटेन के साथ स्टार्टिंग है एकदम, आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ से अपने हाथ पैर धो के अंदर जा रहे हैं पवित्र होके। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, तो स्टार्टिंग में ही आपको फाउंटेन दिखने को मिलेगा, और बड़ा अच्छा फाउंटेन है यहाँ पे, तो काफी बड़ा सुंदर नजारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना देखिए सुंदर नजारा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। और राजघर भी हम उसी के सामने हम देखिए, जो यहाँ का दृश्य है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फाइव स्टार होटल है, कोई ऐसा लग रहा है कि राजमहल बना हुआ है, तो ये किसी राजमहल से कम नहीं है। बड़ी दीवारें हैं यहाँ पे, और लाइटिंग देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग यहाँ पे कर रखी है, जी सत बल्ला मेरे वाले बाबा मैं अच्छा लगना बधाइया, बाबा इतने ऐसा मेला भी लगता होंगे जिन्हें कला कदम आते सुनी भाई होंगे या फिर खाते सुसकंद सब तो वाले जे पहले बाबा जी की साई चोला छड़ गए थे उन्होंने गद्दी मिल गई गुरदासवान इतने भी आते उन्होंने गद्दी इतने आ, ठीक है जी कृपा करो शान के दर्शन करो थोड़ा इन्ना बहुत धन्यवाद जी, कह बाबा मैं आशा जी का शान के दर्शन करो जो करना नहीं करना, बिल्कुल जय मस्ता जी। चलिए देखिए यहाँ पे दर्शक फोटो भी खिंचवाते हैं, तो फोटोग्राफी करनी है आपको स्टार्टिंग में व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे अपन फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हो, बहुत ही अच्छा जो फाउंटेन है वो यहाँ पे चल रहा है, और बाकी बाकी जो प्लेसेस हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। और ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं मेरे, ये एक एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलेगी, इस गेट से आपने अंदर की तरफ जाना है और दर्शन आपको वहाँ पे हो जाएंगे बाबा मुराद शाह जी के, ठीक है? और आगे की अपडेट अनमोल जी देंगे, जी अनमोल जी
फोटो सेशन। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अपना फोन जो है बंद रखें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपके दोस्त सज्जन मित्र आपको ये बोल सकते हैं हमारी फोटो खींचो, इतना सुंदर दृश्य है क्योंकि यहाँ का। हाँ, तो अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं एंट्री कर रहे हैं। ये मुख्य जो द्वार है यहाँ पे, गेट है, इससे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाबा जी मुराद शाह जी। बड़ा ही सुंदर गेट, और इस गेट से अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दीवारें हैं कितनी सुंदर, यहाँ पे दीवारें सजा रखी हैं, और जो टाइल्स है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स के साथ उन्होंने सजा रखा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, और बैठने के लिए बहुत ही स्पेशियस, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दे रखी है। इस सामने जो बाबा जी की तस्वीर ही में आप यहाँ पे देख सकते हो, सामने जो फोटोज़ हैं। ठीक है, और बाकी अभी आपको अंदर भी लेके जाएंगे। और बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हो कि जो हमारे बाबा जी की है, जो उनकी जो कार थी, जिस कार में वो जाते थे, ठीक है, वो कार भी यहाँ पे हमने, इन्होंने बहुत ही आसान रखा हुआ है यहाँ पे, इनको संभाल के रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग का बल्ले शाह तू सच्ची तोड़ पाया वे, बाबा मैं आज शाह सच्ची सार आया वे, बाबा लाडी साईं के जी। हाँ जी अनमोल जी, तो कहाँ से एंट्रेंस बता दीजिए कुछ। यहाँ से लोग जा रहे हैं जी, हम भी उन्हीं के पीछे पीछे। वहाँ लिखा हुआ कृपया करके, तो हम आगे आगे मोबाइल बंद रखिए, मोबाइल बंद रखिए। तो दोस्तों कैमरा जो है अलाउड नहीं है अंदर। हाँ। तो बाकी के आपको फुटेज लिखा, एक दो फोटोज आपको दिखाने के, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो कैमरा भी अलाउड नहीं है, इट मीन्स की। तो बाकी के यहीं के फुटेज हम अभी बंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट दर्शन करके अभी बस बाहर आए हैं मुराद शाह जी के। तो काफ़ी अच्छा अंदर का सुंदर दृश्य है, और बहुत दिल को सुकून मिलता है अंदर दर्शन करके, आनंद आया। और जो प्रसाद है वो चाय का प्रसाद मिलता है यहाँ पे अंदर। ठीक है, और वैसे भी हमें जाते वक्त प्रसाद बर्फी का भी मिला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की अपडेट। तो जब भी आप नकोदर आएँ, और आप मुराद शाह जी के आपने ज़रूर आना है। ठीक है, और यहाँ आके जो आपका नज़ारा है वो अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो समय भी दिया हुआ है। हाँ, अगर किसी को समय देखना है कि कब आ सकता है, तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 5 बजे सुबह, ऐतवार 5 बजे, बाकी दिन 6 बजे। दरबार कब खुलता है, कब बंद होता है? तो ये दरबार खुलने का समय और दरबार जो बंद होने का समय है वो भी यहाँ पे दे रखा है। आप इसका स्क्रीन शॉट आप अपने स्क्रीन से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी दिखाया। तो दोस्तों ये है आज की अपडेट, मुराद शाह जी का हमारा एक छोटा सा ट्रिप। ठीक है, तो बाकी का आगे के ट्रिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। तो इसी तरह से हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा जहाँ भी आए दर्शकन मन खुश होता है। अब मैं शिकायत सच्चे मन नाल आओ, सच्चे मन दर्शन करो, श्रद्धा भावना सब मैदा, मन च कौड़े खाँगे, मन च पाप रखा कुछ भी नहीं मैदा। मैं अच्छ मूँह बाबे सीधे दवार से सीधी गल सच्चाई तोड़ते हैं, किसी तो उम्मीद रखो कि भी सानू पिछा वध मिलेगा, जो मिले जिन्ना मिलया उन्ना, बस जिन्ना मिले उन्ना लै लो, जब बंदा त्याग इलाज करूँगा दोस्तों। ये है हमारे कमल जी, जो आपका भी कुछ आपको उन्होंने बताया इनके बारे में। ठीक है, तो बाकी की जो आगे की वीडियोस है हमारी, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगले साल फिर मिलेंगे, और इसी तरह से हम भी यहाँ पे मुराद शाह पे दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
है।